So welcome friends, again on the light, reflection and reflection. So last lecture we have studied about the convex mirror and concave mirror. How we can define their pole, their optical center, everything about that. How the focal length of them can be calculated. Now we will study the rules of actual image formation. So what is image kaise banta? So aaj se aapka interesting concept. So आज हम चलते हैं स्टार्ट विद रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन. रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पहले लेते हैं कॉन्केव मिरर. नाउ व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू showing on the board, I will suggest you to write it in your notebook. जो कुछ diagram में मैंने आपको निकाला है, that is very 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 important. I will call it as VIMP. इसको ध्यान में रखना है. आपको ये 12 तक याद रखना है. This will also help you in your 12th class. तो suppose number one, पहला रूल क्या? If the incident ray is parallel to the principal axis, if the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray goes to the focus. पहले concave mirror definition, बाद में convex mirror. If the incident ray is parallel to principal axis. Reflected ray goes focus. तो ध्यान में क्या रखना है? इफ द इंसिडेंट रे इज ऐसा है पैरेलल टू इसको प्रिंसिपल एक्सिस, देन रिफ्लेक्टेड रे गोस टू फोकस. सो बेटा लेट मी ड्रॉ द लाइन. ये मेरा मिरर है, ओके प्रिंसिपल एक्सिस. तो प्रिंसिपल एक्सिस को मैं थोड़ा सा डॉटेड से दिखाऊंगा. ये मेरा बन गया प्रिंसिपल एक्सिस. तो अगर मेरा इंसिडेंट रे जो है इसको मैं ऐसे लिखूं, सो इफ माय इंसिडेंट रे इज दिस, यहां पे कौन होगा मेरा? यहां पे मेरा पोल होगा, यहां पे बीचों बीच मेरा फोकस होगा, और यहां पे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगा? इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट. वी आर एम पी. तो ये क्या बनाया जाता? इंसिडेंट रे, और ये क्या बनाया जाता? So the incident ray is parallel to the principal axis. It's called the principal axis. PA. Short. So you have to remember that. You have to remember that. Okay. If the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray will go through the focus. Very important. So no doubt that you know. Baad mein dusra bata. Okay. I will go for the next. Yeah. Yeah. यहां पर क्या करता हूं? दूसरा सेकेंड चीज, सेकेंडली सेकेंड वाला इज इफ द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम फोकस. इसके उल्टा पहले क्या हो रहा था? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा था, तो वापस रिफ्लेक्टेड रे फोकस कर. इफ द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम फोकस. अगर अपना इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस,
reflected ray. Goes parallel to principal axis. तो डायग्राम बनाते हैं। तो फिर से मैंने मेरा भी था। मैंने बन गया उसका principal axis, हाँ? उसको मैं बोलता हूँ principal axis। अभी ये मेरा बन गया फोकस, सपोज ये पोल बन गया, ये बन गया मेरा फोकस और ये बन गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सपोज इफ माय इंसिडेंट रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, कौन सा भी एंगल हो तो प्रॉब्लम होगा। अगर ये फोकस से निकल रहा है तो रिफ्लेक्ट होते समय वो कैसे जाएगा? पैरेलल चल रिफ्लेक्टेड है, ये बन गया मेरा इंसिडेंट। तो पहले क्या हमने सीखा कि द इंसिडेंट रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टेड रे गो टू द फोकस। अभी क्या सीख रहा है कि द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम द फोकस, द रिफ्लेक्टेड रे गोस पैरेलल टू प्रिंसिपल। This thing you have to note, इसको note down करो, ठीक है? इसके बाद third rule सिखाता हूँ, उसके बाद में ये कैसे आया है, ये आपको भी बताऊँगा। I will tell you because it is itself it is called as a geometric optics. तो इसके पीछे geometric क्या है, वो भी हम सीखेंगे, don't worry. ये मैंने लिख दिया। Okay brother, now we go for the third rule. Now we go for the third rule. Third rule क्या है? वो भी सीखेंगे। थर्ड रूल में है इफ द इंसिडेंट रे कम्स फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी देन then the reflected ray retraces the path of incident, जो path incident ray ने किया है उसको retrace करता है। वो कैसे करता है? अभी फिर से डायग्राम करता है। तो ये मेरा आगे बढ़ गया। ये सब रूल आपको व्हाइल मेकिंग द फिगर्स रे डायग्राम्स, व्हाइल ड्रॉइंग द रे डायग्राम दिस ऑल विल हेल्प यू टू कवर द प्रॉब्लम्स। ओके, ये मेरा बन गया दिस एक्सिस पर इस को कैसे करते हैं, ठीक से करवा के देंगे प्रॉब्लम बन जाएगा। ठीक है, हम क्या पहले दिस एक्सिस यहां पे अगर मैंने फोकस फोकस और यहां पे तो सपोज मेरा इंसिडेंट रे सब कुछ यहाँ पे जाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऐसे जाता है। तो इसके बाद रिफ्लेक्ट होते समय कैसे थिंक करेंगे? रिफ्लेक्शन के लिए भी रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्स दिस पाथ। तो ये जो मैंने रे से निकाला है ये बन गया इंसिडेंट रे, चला गया तो वो यहाँ से ये चला गया रिफ्लेक्ट करने के बाद ये यहाँ से, तो इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट। ये एकदम इंटरेस्टिंग है, क्यों होता है ये भी बता दो, ये क्यों दो मिनट के लिए जस्ट वेट फॉर मी। ये बन गया ना डायग्राम, तो इसको भी नोट डाउन करके लो, उसके बाद ये क्यों आता है मैं आपको बता। ओके, जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं व्हाई दिस हैपेंस। ओके, व्हाई दिस हैपेंस, तो मैं एक ही डायग्राम है आपको सब चीज समझा दे। ये हो गया क्वांटम मैकेनिक्स, तो पहले क्वांटम मैकेनिक्स के लिए पढ़ लेते हैं ये क्यों होता है, दैट विल गो फॉर द क्वांटम। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू इट फॉर क्वांटम।
मैं छोटा वाला मिरर बना के लिखता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करूँ। तो ज्योमेट्री का यूज करते समय मैं बड़ा वाला ये ऐसा सर्कल बना, सर्कल का स्फीयर बनता है, डी में उसको हम सर्कल बोलते हैं, लेकिन अभी वो इसको ट्रीट करना है स्फीयर। आपको कैसे उसको ट्रीट करना है? स्फीयर के जैसा ट्रीट करना है, इसको हम हाइपोथेटिकल स्फीयर में करवाना है। तो ये क्या है स्फीयर? ओके क्या करना है हमने? यहाँ पे हम एक बड़ा वाला है, एक्चुअली इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाई के लिए हम लोगों को बनाना पड़ेगा उसको। एक्चुअली अपना जो होता है ना क्वांटम मिरर, अपना जो होता है एकदम छोटा वाला होता है। हाँ तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, आपको फिजिकली एकदम छोटा वाला, छोटा वाला क्योंकि उसके पैडे सब कुछ थोड़ा सा। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना छोटा वाला मिरर बना देता हूँ, और इसको सेंटर ऑफ कर देता हूँ, बताओ ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये बन गया मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, एक्टिविटी है उसको, ये हम बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बताओ प्रिंसिपल, इसको कॉन्केव है तो बाहर से उसको क्या है पहला रूल आपका पहला रूल, ये जो मैंने लाइन निकाला है इस लाइन को मैं प्रिंसिपल एक्सिस बोल देता हूँ। तो इस लाइन के लिए थोड़ा ठीक से करते हैं क्योंकि आपको ज्योमेट्रिकली खींचना होगा, तो हमें ज्योमेट्री का भी ख्याल रखना होगा। तो सपोज यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना चाहिए मेरे को मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बन गया आपका? यहाँ पर क्या आपका कोण? तो पहला रूल सपोज ये ऐसे पहला
और आप क्या कर सकते हैं, आरएचएस क्राइटेरिया लगाएंगे, आरएचएस क्राइटेरिया वो लगाकर आप इसका सिग्नल भी बता सकते हैं। तो आपको समझ आएगा ये एंगल आना चाहिए, ये एंगल भी डबल ऑफ दिस, दिस एंगल अगर इसको मैंने थीटा बोला, मैं थीटा बोला, थीटा विल बी 2i, तो 2i का मतलब ये i है इस एंगल पे, तो ये टोटल एंगल ये कितना है i प्लस r, और ये भी i प्लस r ही होना चाहिए, ऐसे भी बता सकते हैं क्योंकि दो लाइन लिया हमने और ऐसे किया, तो ये और ये एंगल सेम रहता है, लेकिन ना i प्लस r है ना आपको पूरा मिला के, तो ये भी कितना होना चाहिए i प्लस r थीटा, तो वो दिखा सकते हैं कि ये 2i होता है, 2i हुआ तो i प्लस r हो जाएगा i plus r is equal to 2i, but i so r will be 2i minus r, r तो है r equal to है r is equal to r, तो जनरेट और वो जो होता है वो किस पॉइंट पर होता है, फोकस पॉइंट, दैट वाज वन। अभी अगले टिप पे चलते हैं, अभी आपको बता दें अभी अगर फोकस से जाए तो इसके उल्टा करेगा, खाली ये साइन इधर तक इधर रखता इधर से जाए तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर एंड दिस विल बी आर, वो आपका सेम है, तो दो के लिए मैंने आपको बताया, इसको अगर चाहिए तो आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पीछे करके। अभी हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, लास्ट वन, लास्ट वन क्या आएगा, लास्ट वन आएगा आपका अगर मेरा रे सेंटर ऑफ गुरुत्वाकर्षण, तो जो रे सेंटर ऑफ गुरुत्वाकर्षण से जाएगा उसका नॉर्मल से एंगल कितना होगा, सो फॉर द रे गोइंग अलोंग नॉर्मल एंगल आर विल बी जीरो, देयरफॉर एंगल आर शुड बी आल्सो जीरो, एंगल आर तो जीरो है तो आर शुड बी आल्सो जीरो, आर जीरो होने के लिए क्या करेंगे, आर जीरो होने के लिए वो उधर से जीरो एंगल बनाएगा, तो जीरो एंगल बनाया आर से, तो ऑफ कोर्स वो क्या करेगा, इट विल रिट्रेस इट्स होल पाथ, सो यू जस्ट नोट डाउन दिस, आफ्टरवर्ड्स वी विल गो फॉर द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर द कॉन्वेक्स मिरर। सो फ्रेंड्स नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, we'll go for rules of image formation by convex mirror, पहले लिखा था हमने concave mirror, लिखा था अभी convex, ये भी दिया है आपको इसको, it's very important as your exam is concerned, for board you have to keep in mind this and for solving the problems also it's very important। तो पहले लेते हैं, इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, याद रखेंगे बात बनी चेंज नहीं करना, इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे, देन कॉल रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टेड रे जो है वो इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, सो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, तो कैसे होता है डायग्राम सपोज ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर भी ऐसे है, इसको ग्लास से सिल्वर करो बेटा, सिल्वर करने के बाद इसको तो ये ऐसे जाएगा कि यहां से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा फोकस से आ रहा है,
एक्चुअली वो फोकस से आ रहा है क्या? ना, यहां से ही वो पलट के पीछे जा रहा है, इट इज गोइंग बैक फ्रॉम हियर ओनली, बट इट विल लुक दैट, इट विल अपीयर दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस. इसीलिए उसको, ये फोकस को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेजिनरी. ये फोकस रियल नहीं होता. जो पहले केस में फोकस वाज देयर, दैट वाज अ रियल फोकस. So there, actually the reflected rays were going and hitting each other in their parallel. But here they are not actually hitting. The appearing curve from this. ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नीचे से आ रहा है. Actually they are not coming from here. From here only they are hitting. इसीलिए हम बोलते हैं if the incident ray is parallel principle. इसको parallel principle. Reflected rays appear to come from happy. So this will be my incident ray. और ये हो जाएगा reflected ray. इसीलिए अपना focus क्या होता है? Focus वहाँ पे रहता है आपका virtual. So go away. So that you will take a snapshot of the screen. Then we go for the next. Okay बेटा? Now we will go for the next. नेक्स्ट में क्या है आपको? नेक्स्ट रूल क्या बन जाएगा इसके उल्टा? इफ सेकंड क्या हो जाएगा? इफ द इंसिडेंट रे अपीयर्स टू गो टू फोकस. अभी उल्टा कर देंगे. इंसिडेंट रे अपीयर्स टू गो टू फोकस. क्या हो जाएगा आपका? रिफ्लेक्टेड रे गोस पैरेलल टू दिस फेस. कोई क्या बोले बड़े सब में फिर से ना ये बंदियां सब कॉपीज हैं ना बात ये बंदियां बड़े कॉपीज फिर से मैं उसका फिर से प्रिंसिपल एक्सिस बना के लेता हूँ. ये हमने वाला प्रिंसिपल एक्सिस तो कहते हैं यार रेडी मेड. तो यहाँ पे सब कुछ फोकस और मेरा रे ऐसे जा रहा है. तो इस पार्ट पे अगर मेरा रे जा रहा है तो ये क्या रहता है? ये अगर मिरर नहीं होगा बीच में, अगर बीच में मिरर नहीं है तो क्या इट विल अपीयर टू गो टू द फोकस. वो तो चलता रहेगा फोकस में. तो इस केस में क्या होता है? और रिफ्लेक्टेड रे क्योंकि अभी हमको थोड़ा पड़ेगा बड़ा पड़ेगा क्योंकि हमारा सेंटर ऑफ कंट्रोल
थोड़ा दूर हो गया तो डायरेक्ट निकल ये चीज का ध्यान तो सपोज मैं ले गया कैसे तो यहां से कैसे आएगा यहां पे आएगा आने के बाद क्या हो जाएगा वो अपना पाथ यहां से फिर से रिट्रेस तो ये बन गया मेरा इस चीज में ये बन गया मेरा इंसिडेंट रे और ये बन गया मेरा So, in this way, we have studied the roots of image formation. So, क्या करते हैं? फिर से एक बार हमने जो roots of image formation हमने सीखा है, उसका थोड़ा सा revise करें. तो पहला रूल क्या बनेगा? पहला कॉन्केव मिरर के लिए पहला रूल क्या बनेगा? If the incident ray is parallel to the principal axis, कॉन्केव मिरर के लिए पहला रूल नंबर वन for कॉन्केव मिरर. If the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray goes to the focus. Second, if the incident ray comes from the focus, the reflected ray goes parallel to the principal axis. Let me repeat for concave mirror, rule number 2. If the incident ray comes from the focus, the reflected ray goes parallel to the principal axis. Rule number 3 for concave mirror. Okay, thank you. Thanks a lot.